दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 नवंबर से लागू हुए कुछ मुख्य बदलाव के बारे में जो कि हमारे देश में लागू हो चुके हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गैस सिलेंडर बुकिंग के बारे में और अंत में बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा जो बैंकिंग सर्विसेज से लेकर जो नए चार्जेस लागू किए गए हैं उसके बारे में। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं जो 1 नवंबर से बदलाव हुए हैं उसमें है गैस सिलेंडर की बुकिंग को लेकर के। तो इसमें जो बदलाव है वो ये कि जब भी आप गैस सिलेंडर बुक करते थे तो डिलीवरी बॉय होम डिलीवरी के लिए आपके घर पर आता था और सिलेंडर देकर चला जाता था, लेकिन अब जब आप सिलेंडर बुक करेंगे फोन पर तो आपको कंपनी द्वारा जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो गैस कंपनी उस पर एक OTP भेजेगी और जब भी डिलीवरी बॉय होम डिलीवरी के लिए सिलेंडर घर पर देने आएगा तो आपको वो OTP उसे बताना होगा और वो OTP मोबाइल में ऐप पर या जिस भी माध्यम से मैच करेगा और OTP मैच होने के बाद ही आपको सिलेंडर की डिलीवरी दी जाएगी। तो यदि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है गैस सिलेंडर कंपनी के साथ में एजेंसी के साथ में तो जरूर करा लें, साथ ही अगर कोई पुराना नंबर था बंद हो गया है तो नया नंबर अपडेट जरूर करा लें क्योंकि 1 नवंबर के बाद से आपको OTP बताना मैंडेटरी जरूरी होगा सिलेंडर डिलीवरी के लिए, नहीं तो आप सिलेंडर की डिलीवरी नहीं ले पाएंगे। तो ये जो पूरी व्यवस्था है ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए की जा रही है ताकि गैस सिलेंडर पर जो सब्सिडी दी जाती है वो सही व्यक्ति तक ही पहुंचे। अब दूसरे बड़े बदलाव के बारे में बात करते हैं जो कि 1 नवंबर से लागू हो चुका है और वो है बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने कुछ नए नियम जारी किए हैं बैंकिंग सेवाओं को लेकर के, जिसमें कि अब बैंक में जो हम नगद कैश डिपॉजिट करते हैं और विड्रॉल करते हैं उसके लिए सर्विस चार्ज निर्धारित किया गया है जो कि बचत खाते मतलब सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के लिए अलग अलग डिसाइड किया गया है। ये आप बैंक की वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं या अपने बैंक में आपको नोटिस बोर्ड पर भी दिख जाएगा। तो इसमें जैसे हम बात करें बचत खाते की तो 3 बार तक आप महीने में 3 बार तक कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और 3 बार तक कैश विड्रॉल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन अगर आप 4थी बार पैसा जमा करना चाहते हैं तो आपको ₹40 सर्विस चार्ज देना होगा जो कि आपके खाते से काट लिए जाएंगे और साथ ही यदि आप पैसा निकालना भी चाहते हैं तो आपको ₹100 चौथी बार मतलब महीने में 4थी बार अगर आप पैसा नगद खाते से निकालना चाह रहे हैं बैंक के माध्यम से तो आपको ₹100 सर्विस चार्ज देना होगा। ये जो पूरी व्यवस्था है ये बचत खाते और करंट अकाउंट ओवरड्राफ्ट अकाउंट लोन अकाउंट सबके लिए की गई है और सबके चार्जेस भी कुछ अलग अलग तय किए गए हैं, लेकिन जनधन खाते और सीनियर सिटीजन्स के जो खाते हैं उनको इस सर्विस चार्ज से फ्री रखा गया है। लेकिन एक बात मुख्य ये है कि ये जो पूरी जो सर्विस चार्ज है ये केवल कैश विड्रॉल और कैश डिपॉजिशन पर ही है। यदि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप कितने भी ट्रांजैक्शन अपने ATM कार्ड या ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, उस पर कोई असर नहीं होगा इन नए नियमों का। तो दोस्तों, ये थी कुछ जरूरी बातें जो कि 1 नवंबर से लागू हो चुकी हैं। ऐसी ही और अपडेट जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।